नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका गाइड उज्ज्वल, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, नया साल आने वाला है, लेकिन जो न्यूज़ में देने वाला हूं इस वीडियो में, वो अच्छी नहीं देने वाला हूं। तो आखिर में नए साल में ऐसा क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है कि आपकी जेब पर पड़ने वाला है और ज़्यादा असर, मतलब आपके जेब के पैसे और निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हो जियो का सिम, एयरटेल का सिम या वोडाफोन आइडिया का सिम, तो ये सभी मिलकर जो है वो अपने प्लान के प्राइसेस को बढ़ाने वाले हैं। तो क्यों बढ़ाने वाले हैं, कितना परसेंट बढ़ने वाला है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। जानकारी बनी रहेगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जियो की, एयरटेल की या वी की, इन सभी ऑपरेटर्स ने मिलकर पिछले साल भी प्लान के प्राइसेस को बढ़ा दिया था, और दोस्तों ऐसा ही ये फिर से दोबारा करने वाले हैं और सभी एग्जिस्टिंग जो इनके प्लान के प्राइसेस अवेलेबल हैं उन सभी को इंक्रीज करने वाले हैं, हाइक करने वाले हैं। ऐसा दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद से ये स्टोरी नहीं बनाई है। बेसिकली यहाँ पर सभी जगह इंटरनेट पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि जो मोबाइल बिल के जो प्राइजेज हैं वो और एक्सपेंसिव होने वाले हैं, और ये सभी ऑपरेटर्स मिलकर जो प्लान के प्राइजेज हैं वो बढ़ाने वाले हैं। अब कितना परसेंट बढ़ाने वाले हैं वो भी बता दूँ। बताइए जा रहा है दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो 10% यहां पर जो प्लान के प्राइसेस हैं वो और बढ़ने वाले हैं। मतलब अभी आप जो भी प्राइसेस देख रहे हो वो और इंक्रीज कर दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों एक साथ इकट्ठे नहीं किया जाएगा, बताया जा रहा है कि ये हर साल किया जाएगा। मतलब अभी जैसे 2023 आने वाला है, फिर 2024, फिर 25 और क्वार्टर फोर, सभी ईयर्स के क्वार्टर फोर आप कह सकते हो क्वार्टर में प्लान के प्राइसेस को इंक्रीज किया जाएगा। अभी बेसिकली ये सब इसलिए कि मतलब ये लोग सोच रहे हैं प्लान के प्राइसेस को बढ़ाना, क्योंकि ARPU यहाँ पर मैटर करता है। ARPU क्या है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, हर एक यूज़र से इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हर एक यूज़र से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये अपने अभी जो इनके प्लान अवेलेबल है उनके प्राइसेस को ये लोग बढ़ाएंगे। तो सीधी सीधी मैंने न्यूज़ दे दी है कि यहाँ पर 2023 में भी प्लान के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और जैसे ही नया साल आएगा मुझे लग रहा है कि नए प्लान्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और अब आपको पता है कि अभी यहाँ पर 5G ऑपरेटर्स जो है वो फ्री दे रहे हैं, जैसे कि जियो वेलकम ऑफर में 5G फ्री दे रहा है। तो मे भी हो सकता है जो नेक्स्ट ईयर आए, मतलब कुछ ही दिन अब रह गए, तो जैसे ही अगला साल लगता है तो यहाँ पर हो सकता है 5G के भी प्लान्स देखने को मिल जाए, क्योंकि अब जिंदगी भर तो फ्री देने वाला नहीं है ना। लेकिन जैसे ही जियो अलग अलग मतलब सिटीज़ में अपने 5G को लॉन्च करेगा, तो उसके बाद प्लान्स को भी लाएगा, और जब 5G के प्लान्स आएंगे तो 4G में भी बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। तो यही दोस्तों रिपोर्ट है। बेसिकली ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो एक आप कह सकते हो एक फर्म है जिसका नाम है जेफरीज, तो उन्होंने यहाँ पर एनालाइज किया है और ये चीज़ें यहाँ पर हमने शो की हैं, बताई हैं कि यहाँ पर जो तीन सालों में, आने वाले तीन सालों में जो क्वार्टर फोर होने वाला है सभी सालों का, उन सभी में मतलब जो है वो प्लान के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अब आप बताइए दोस्तों, यार आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पर मतलब ऐसी नीड है प्लान के प्राइसेस को बढ़ाने की? क्योंकि अभी एयरटेल ने अपना जो 99 रुपीज़ वाला प्लान है वो भी बंद कर दिया, मतलब मिनिमम आप कह सकते हो कम से कम रुपए वाला रिचार्ज था, और इसको भी यहाँ पर बंद कर इन्होंने एक नया प्लान 155 का अवेलेबल कराया। तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि यार अब आपको थोड़ा सा और पैसा खर्चना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो यही अच्छा है यार कि एक ब्रॉडबैंड लगवा लो, अगर आपके घर के आसपास अगर आपको सर्विस मिल जा रही है, क्योंकि ब्रॉडबैंड आपको मतलब अनलिमिटेड इंटरनेट भी दे देता है और आपका पूरा फैमिली वहाँ पर यूज़ भी कर सकता है, और बाकी आपको जो थोड़े बहुत रिचार्ज कराने हो वो आप रिचार्ज करा सकते हो कॉलिंग वगैरह के लिए जब आप घर से बाहर जाओ, अदरवाइज़ आप ब्रॉडबैंड ही यूज़ करो। ये तो मेरा पर्सनल आप कह सकते हो एक आपको राय मैं दे रहा हूँ। तो बताइएगा दोस्तों, आपको लगता है कि प्लान के प्राइसेस बढ़ाना चाहिए इन ऑपरेटर्स को या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है यार नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी प्लान अवेलेबल है वो ठीक ठाक है, बट अभी प्लान के प्राइसेस अगर और बढ़ते हैं तो सच में यार ये काफ़ी बुरा होने वाला है यूजर्स के साथ में। आप बताइए दोस्तों कमेंट करके आपकी क्या राय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियो लेकर आते हूँ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।